तो भाई आज की जो अपनी वीडियो है ना वो भाई इस चीज़ से रिलेटेड है कि भाई आप ना भाई नॉर्मली इंस्टाग्राम में रील्स डालते रहते हो, पर ऐसा रहता है कि भाई स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ये अकाउंट लेकर रखा हुआ है, स्टार्टिंग में इसमें 650 व्यूज़ हैं, 2000 व्यूज़ हैं, 6000 व्यूज़ हैं, 300 हैं, 1000 हैं, भाई ऐसे ही अच्छे खासे व्यूज़ थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे ना भाई व्यूज़ जो है ना वो भाई कम होते गए, फिर 16, 26 ऐसे ऐसे व्यूज़ आने लगे। तो आपकी भाई इंस्टा की व्यूज़ कम हो रहे होंगे, मैं आपको भाई इसमें डैशबोर्ड में भी दिखा देता हूँ भाई। तो डैशबोर्ड में देखोगे ना भाई अप डाउन बहुत चल रहा है। तो भाई ये दिक्कत आपके अकाउंट में भी आ रही है, तो आपके मन में ये आ रहा है कि भाई क्या आपका अकाउंट फ्रीज तो नहीं है कहीं, भाई क्या कैसे पता करो क्या कोई अकाउंट लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई जानना भाई तो कोई कहना भाई पहले वीडियो में तक बने ना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। देखो भाई सबसे पहले ना आपको अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट कन्वर्ट कर लेना। तो उसके लिए करना सेटिंग्स में जाना, अकाउंट में जाना, फिर नीचे जाना, वहाँ पर आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रोफेशनल कर लेना, बिजनेस करना बिजनेस कर लेना, क्रिएटर करना क्रिएटर कर लेना, वो आपके ऊपर। जब आप भाई अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आओगे ना तो यहाँ पे आपको ग्राफ में दो चीज़ें देखेंगी, फॉलोवर और नॉन फॉलोवर। जो आपको भाई लाइट ब्लू की जो लाइन ये जो दिख रहा है ना ग्राफ लाइट ब्लू लाइन का, ये ना भाई फॉलोअर्स का दिखाता है, और जो भाई नॉन फॉलोअर है ना वो डार्क ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। तो जैसे कि भाई जो मेरे नॉन फॉलोअर्स है ना उसका ग्राफ ज़्यादा अप जा रहा है, मतलब कि जो आपका अकाउंट है भाई वो सही चल रहा है, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है भाई वो नॉन फॉलोअर्स मतलब जो आपको फॉलो नहीं करते उन लोग तक पहुँच रहा है। भाई पहली दिक्कत तो आपके यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है कि हाँ भाई आपका अकाउंट लोग तक पहुँच रहा है। और अगर फॉलोअर्स का काम है तो भाई दिक्कत ये आ रही है कि आपका जो अकाउंट है ना आपकी जो वीडियो लोग देख रहे हैं उनमें ऐसा है कि भाई जो आपको फॉलो कर लेते हैं ना पर वो फिर आपके अकाउंट पर ना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप या तो ऐसा करते हो आप सेम टाइप का कंटेंट नहीं डालते या फिर आप कंटेंट को बार बार चेंज करते रहते हो। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको क्या करना है भाई, आप ना क्या करते हो भाई जो मेन रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न जिसके चक्कर में आपकी जो रीच है वो डाउन हो जाती है वो ये कि भाई स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग थी रेगुलर में 2-3 दिन तक वीडियो डाली फिर आपने एकदम से गैप ले लिया, जो आप वो गैप लेते हो ना वही आपकी रीच को डाउन कर देता है। पर ऐसा नहीं है कि आप उस गैप को मतलब चेंज नहीं कर सकते भाई, आप उससे भाई इम्प्रूव कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको दोबारा से भाई रेगुलर होना पड़ेगा। दोबारा से रेगुलर होगे तो स्टार्टिंग व्यूज़ नहीं आएंगे, पर रेगुलर करते रहोगे तो व्यूज़ आने लगेंगे। और आपको भाई फिर से रीच को अगर करना है पहले जैसा तो आपको ना जितना हो सके उतना ट्रेंडिंग टॉपिक्स वीडियो को बनाओ, अपनी जब वीडियो को डालो ना तो हमें टॉपिक्स का भी एक ऑप्शन आता हो, टॉपिक्स भी भाई ऐड करो। आपको एक चीज़ और बता दूँ जिस चक्कर में आपके व्यूज़ ना आ रहा हूँ, पहले ना आपको सेटिंग्स में आ जाना है, आपको अकाउंट पर आ जाना है, पर यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटस पर आ जाना है। अब यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस और दूसरा होगा कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आपको भाई रिकमेंडेशन गाइडलाइंस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हो। मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का शो हो रहा है, यू कंटेंट मे बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन। मैंने इस पे भी डाल के रखी है, आपको शायद इस टाइप का भी आ रहा है, योर कंटेंट आर इज नॉट एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन। भाई रिकमेंडेशन ये होता है कि जो इंस्टाग्राम है ना आपका कंटेंट रिकमेंड करता है थ्रू रील्स, थ्रू स्टोरी, थ्रू एक्सप्लोर फीड, ऐसे भाई आपके कंटेंट को भाई रिकमेंड करता है, लोग तक पहुँचाता है ना। तो भाई वो कैसे पता करेगा कि कर रहा नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा ना एलिजिबल है, मतलब आपको कंटेंट ना इंस्टाग्राम दूसरे लोग को दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका अकाउंट कोई फ्रीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी ये क्या है, आपके अकाउंट में कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब गाइडलाइंस आती है ना तो उसका जो भाई अफेक्ट रहता है वो अकाउंट में स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक रहता है, फिर वो अपने आप सही हो जाता है फिर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि गाइडलाइंस अगर आ गई है तो आपका अकाउंट कभी पहले जैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइडलाइंस वाली भाई एक साल में रिमूव होती है, पर उसका जो अफेक्ट रहता है भाई वो आप अपन पहले कर सकते हैं अगर अपन रेगुलर करें, ट्रेंडिंग टॉपिक का यूज़ करें और अच्छे खासे हैशटैग्स का यूज़ करें, तो भाई अपन की जो रीच है ना पहले जैसी हो जाती है। अगर आपको गाइडलाइंस टाइप को रिमूव करना सीखना है तो मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो, आपको आई बटन में दोनों वीडियोस मिल जाएगी। अब देखो भाई यही सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ आपकी सही है ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज़ है कि अब आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो किस टाइप की है। आपको खुद सोच के देखना कि भाई वीडियो के स्टार्टिंग में बिल्कुल फोकस करना है कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रखो या आपके कैप्शन में या आप कुछ ऊपर लिख दो ऐसा कि भाई जिससे जो लोग रहे ना उसे देख के एकदम से रुक जाएँ कि भाई ऐसा क्या है यार इस वीडियो में, जैसे सस्पेंस बन जाए, तो सस्पेंस बनेगा तो भाई उससे जो वॉच टाइम रहेगा वो बढ़ेगा, लोग जितनी अगर पूरी वीडियो आपकी लोग देख रहे हैं तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा इंस्टाग्राम देख रहे हैं कि हाँ भाई लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो इससे भाई जो इंस्टाग्राम है उसे और ज़्यादा लोग तक पहुँचाएगा। और जो भी वीडियो डालो ना भाई उसे अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाया करो, और जितना हो सके भाई लोग जितने लोग उसे शेयर करेंगे ना अपनी स्टोरी में उतना ज़्यादा जो उसके व्यूज़ वगैरह वो इंक्रीज़ होते रहेंगे और उसकी रीच है ना आपकी वीडियो की वो बढ़ती रहेगी। भाई ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपको ना एक और काम करना, आपको ना लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है,
आपको मालूम है भाई अपन कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो आपको ना भाई लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी करनी है। तो भाई ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आपने अपने अकाउंट की रीच को इम्प्रूव कर सकते हो। जो व्यूज़ की प्रॉब्लम है भाई आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब भाई ऐसे व्यूज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पर भाई मैं आपको इस अकाउंट में दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखोगे ना तो जो फॉलोअर्स है ना उसका ग्राफ ज़्यादा अब जा रहा है, बोले आपको ब्लू लाइन ज़्यादा ऊपर तक दिखेगी। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अकाउंट में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। अगर आप अपने अकाउंट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे तो भाई आपको ना उसमें जो फॉलोअर्स का जो ग्राफ है वो ज़्यादा ऊपर दिखेगा। तो भाई यही डिफरेंस रहता है। तो मतलब ऐसा मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कैसे पता कर सकते हो कि आपके अकाउंट में दिक्कत है फिर नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है तो आप भाई अपलोड नहीं करोगे तो भाई फिर व्यूज़ कहाँ से आएंगे? वो भी भाई एक रीज़न रहता। तो भाई यही सब था आज की वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड पूछना है जानकारी बताना तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर आपको इंस्टाग्राम पर DM कर सकता हूँ। असल में प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रही है। सारे लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए किसी और वीडियो में।